धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो दिन दिहाड़े गैंगवार की वारदात को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं करते। ताजा मामला कुरुक्षेत्र की हवेली का है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। दरअसल दिन दिहाड़े कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए। यही नहीं, आरोपी पीड़ित के हाथ काट कर अपने साथ ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस व्यक्ति पर 10 से 12 बदमाशों ने तेज धार हथियार से हमला किया और जाते जाते आरोपी के दोनों हाथ काट कर अपने साथ ले गए। लड़का बैठा हुआ था एक, ठीक है, बाहर से 10 12 लड़के आए, आपस ही कोई लड़ाई होगी उनकी, आते उन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। आपस में लड़ाई हुई, 10 से 12 लड़के थे, मुंह ढके हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर हथियार से हमला कर दिया उन्होंने, ठीक है जी, हाथ उत काट दिया उसके, ठीक है जी, और भाग गए यहाँ से। हाथ अपने साथ लेंगे वो? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ ही है। कहाँ से कुछ ध्यान हो, कहाँ से? ना ना, ध्यान नहीं दिया जी, हम अपने काम में बिजी थे, लेकिन इतने में भगदड़ मच गई। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी रामदत्त नैन ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से घटना की सूचना मिली थी कि कुरुक्षेत्र हवेली में वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति की अंकुश कमालपुर और अन्य से रंजिश चल रही थी, जिसके चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कंट्रोल से सूचना मिली थी कि जो है कुरुक्षेत्र हवेली पे एक व्यक्ति के जो है हाथ काट के ले गए हैं। जो हम मौके पे पहुंचे हैं, सीआईए की टीम भी है, एसएचओ सदर भी है, तो यहाँ के पता चला एक जुगनू लड़का है जो गाँव राडा का है, और 10-12 लड़के जो दो गाड़ियों में आए और उसके जुगनू के हाथ काट के ले गए हैं, और पता चला है इनकी आपस में गैंगवार है। एक संधु है मुआने का, जो उसका अभी नाम सामने आया है, एक अंकुश है कमालपुरिया जिसका भी नाम सामने आया है, उनके साथ अन्य लड़के हैं, बाकी अभी जो जिसके हाथ काटे हैं वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उससे स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट लेके केस रजिस्टर करके आगे कार्रवाई। फिलहाल पीड़ित का इलाज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पहचान कर पकड़ा जा सके। लेकिन इस पूरी वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पंजाब के सीसीटीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।